गर्भवती बाप। नानपारा नाम के गांव में रत्नाकर प्रभाकर नाम के दो भाई रहते थे। उस गांव में गुरमीत नाम का एक डॉक्टर नया नया प्रसव चिकित्सालय खोलता है। एक दिन रत्नाकर और प्रभाकर पेट में बहुत दर्द होने के कारण उस नए हॉस्पिटल को आते हैं। बाप रे, पेट में दर्द, मैं मर गया रे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कहकर दोनों पुकारने लगे। तभी एक आदमी अंदर से आता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पुकार रहे हो? क्या हुआ ये आपको ही पता लगाना है डॉक्टर, पिछले आधे घंटे से पेट में बहुत दर्द होने लगा है। गांव में नए आए डॉक्टर आप ही है क्या? यस यस, आई एम डॉक्टर गुरमीत, गायनेकोलॉजिस्ट। आइए आइए, मैं आपका टेस्ट करता हूँ, कहकर दोनों को स्ट्रेचर पे लेटाकर उन्हें चेक करने लगा। चेक करने के बाद गुरमीत, कंग्रेट्स, आप दोनों बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनते ही दोनों हम बाप बनने वाले हैं कहकर खुश हुए। कंग्रेट्स छोटे। कंग्रेट्स भैया। रुको एक मिनट, अपने पत्नियां माँ बने तो ही ना हम बाप बनेंगे, उसके बगैर हम कैसे बाप बनेंगे? डॉक्टर ने तो उनका चेकिंग भी नहीं किया ना। हाँ भैया, पिता होने के खुशी में मैंने इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। छी, लगता है ये कोई पागल डॉक्टर है, अभी जाकर सारे गांव वाले से ये बात बोलेंगे। चलिए, पेट दर्द का इलाज करवाने के लिए इस हॉस्पिटल को आना हमारी गलती है, चलो छोटे चलते हैं, कहकर दोनों जाने लगे। रुकिए, मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छे से सुनिए। आप दोनों का अब चौथा महीना चल रहा है और थोड़े दिन रुके तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले मेरे सवालों का ठीक से जवाब दीजिए। पिछले एक महीने से आप जो भी खाते हो वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है ना? रत्नाकर प्रभाकर एक साथ, हाँ डॉक्टर। शाम को काम से आने के बाद आप थकान महसूस कर रहे हैं ना? वो बात सुनकर प्रभाकर और रत्नाकर, हाँ डॉक्टर, सच है डॉक्टर। आपको बहुत भूख लग रही है ना, और तरह तरह के व्यंजनाएं खाने का मन कर रहा है ना? कहते ही दोनों बहुत उदास हो गए। हाँ डॉक्टर, हाँ हमें वैसे ही लग रहा है। तो फिर ये सब क्या है, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? ठीक है, मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, 4 दिन हॉस्पिटल में रहो, किसी को नहीं बताऊंगा। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, मगर मर्द गर्भधारण कैसे कर सकते हैं, वो भी हम? क्या करे, कलयुग है भाई, कलयुग कौन क्या कर सकता है। बोलिए, एक और बात, अगर ये बात आप बाहर किसी से बताए तो आप लोगों को किसी म्यूजियम में या एग्जीबिशन में रख देंगे। अच्छा ये बताओ, पिछले एक महीने से आपका पेट का साइज बड़े जैसा लग रहा है क्या? लगा डॉक्टर, पेट बढ़ रहा है डॉक्टर। यूं कहते हुए दोनों रोने लगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है छोटे, कहकर रोने लगा। हाँ भैया, हाँ, अब हम हमारे घर वालों से क्या कहेंगे, कहकर दोनों जोर से रोने लगे। भाई रोना बंद करो, मैं हूँ ना, आप दोनों 2-2 लाख रुपए मुझे दिए तो बिना किसी को पता चले आपका ऑपरेशन कर दूंगा, क्या कहते हो? तब पहले से ही बहुत रो रहे रत्नाकर और प्रभाकर, ठीक है डॉक्टर, हमारी मदद कीजिए प्लीज डॉक्टर, कहकर दोनों 2-2 लाख लाकर डॉक्टर गुरमीत को दिए। गुरमीत दोनों को इंजेक्शन देता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक दिन बीतने के बाद उन दोनों के पास एक आदमी आकर, ए उठिए उठिए, आप कौन है, हॉस्पिटल में क्यों सो गए, पहले उठिए, कहकर पुकारा। दोनों नींद से उठते हैं। हमारा ऑपरेशन इतनी जल्दी कर दिए? प्रभाकर अपने पेट पे हाथ रखकर देखता है, पेट के ऊपर प्लास्टर्स या एक भी टांके कुछ दिखाई नहीं देते। ये देखकर रत्नाकर और प्रभाकर उस आदमी की ओर देखे। डॉक्टर गुरमीत कहाँ पर है? वैसे तुम कौन हो, कंपाउंडर हो क्या? यू नो, मैं ही डॉक्टर गुरमीत हूँ। ये बातें सुनकर रत्नाकर और प्रभाकर दोनों, तुम डॉक्टर हो क्या, तो फिर हमारा ऑपरेशन करने वाला वो कौन था? ये बातें सुनकर डॉक्टर गुरमीत,
वैसे हुआ क्या? आपकी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, हम दोनों प्रेग्नेंट हुए हैं, अबॉर्शन करवाने के लिए आए थे, 4 लाख रुपए भी भरे। डॉक्टर उनके बातें सुनकर दंग हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? कहकर डॉक्टर बिना देरी किए उन दोनों का टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद किस कमीने ने कहा, आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? दिमाग नहीं है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, कहकर उन दोनों से कहा। तब रत्नाकर और प्रभाकर जो बीता वह सब डॉक्टर को बताए। ये बातें सुनकर डॉक्टर, आप भी कैसे लोग हैं, लगता है आप नादान हैं, कहकर हंसकर, मैंने हॉस्पिटल में सामान उतारने के लिए बहुत लोगों को काम पे रखा था, लगता है उन्हीं लोगों में से किसी ने आपको टोपी पहनाकर पैसे एंट लिया है। आप प्रेग्नेंट नहीं है, खाना हजम नहीं होने के कारण पेट दर्द हुआ है, बस एक्सरसाइज किए तो ये पेट भी कम हो जाएगा, समझ आया क्या? उसके बातें सुनते ही दोनों हां कहकर दंग हुए। भैया हम लुट गए भैया। हाँ छोटे, लुट गए, मगर उस भगवान की कृपा से हमें सच पता चल गया ना,